सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, इस साल सावन का महीना 6 जुलाई से शुरू हो रहा है। सावन सोमवार के व्रत में अनाज नहीं खाया जाता, साथ ही लहसुन प्याज वाली चीज़ें भी नहीं खाने का प्रावधान है। अनाज नहीं खाने के पीछे कोई खास कारण तो नहीं है, लेकिन इसे परंपरा से जोड़कर देखा जाता है। वहीं व्रत के दौरान खाली पेट भारी चीज़ें खाने से नुकसान होती है। व्रत के दौरान फल दूसरे तरह के अनाज नहीं खाने चाहिए, जबकि बारिश की वजह से दही और कुछ खास सब्जियां नहीं खाई जाती, क्योंकि इसमें कीट पतंग होने से नुकसान पहुंच सकता है। तो आइए जानते हैं सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें व्रत में कौन सा आटा खाना चाहिए। कुटुक आटा। सावन व्रत में कुटुक आटा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सिंघारे का आटा। सिंघारे के आटे से आप पकौड़े, हलवा बना सकते हैं। समा के चावल। समा के चावल की खिचड़ी, पुलाव, खीर बनाई जा सकती है। साबूदाना व्रत में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो अब जान लेते हैं व्रत का खाना बनाते समय किन तेल और मसालों का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत में जीरा, सेंधा नमक, काली मिर्च, लौंग और जाफर, अनार के दाने, हरी मिर्च और धनिया का इस्तेमाल होता है, जबकि काला नमक और आमचूर पाउडर भी कुछ लोग व्रत वाले खाने में डालते हैं। इन तमाम मसालों से व्रत वाले खाने का स्वाद बढ़ जाता है। और अब इन सब के बाद हम जान लेते हैं कौन कौन सब्जियां व्रत के दौरान खानी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले है आलू, सूखी आलू, दही आलू, जीरे वाली आलू और आलू टमाटर की सब्जी, आलू चाट, आप इनमें से कुछ भी सेवन कर सकते हैं। सीताफल और कद्दू, इसकी सब्जी, पकौड़े, हलवा के अलावा इसकी खीर भी बना सकते हैं। खीरा, इसे सैलेड या रायते में खा सकते हैं या इसका जूस भी पी सकते हैं। लौकी, लौकी की सब्जी या हलवा या कोफ्ते भी बना सकते हैं। टमाटर, टमाटर की सब्जी या सैलेड के रूप में खा सकते हैं, जबकि पालक और गाजर सब्जी या सूप के दौरान लिया जा सकता है। मौसमी फल, इस व्रत में मौसमी फल खाना चाहिए, लेकिन तरबूज या खरबूज ना खाएं। तो ये थे वो व्यंजन आप अपने श्रावण सोमवार व्रत में खा सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।